अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। माफियाओं और नेताओं के अवैध कब्जों पर बेधड़क एक्शन जारी है, लेकिन इस एक्शन से बलिया में बीजेपी विधायक केतिक सिंह आग बबूला हो गई। केतिकी ने तहसीलदार के सामने ही तहसील जलाने की धमकी दे डाली। रिपोर्ट देखिए। बलिया जिले की बासीडीह विधायक केतिकी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में केतिकी सिंह अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर लेकर आए तहसीलदार को बुरी तरह फटकार लगा रही हैं। विधायक ने तहसीलदार से कहा, अगर आप पूरा घर गिरा देते तो मैं तहसील को आग लगा देती। तो ये आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। दरअसल तहसीलदार ने कोर्ट के आदेश के तहत एक घर पर बुलडोजर चलाकर उसका कुछ हिस्सा गिरा दिया था। इसकी जानकारी जब विधायक को हुई तो वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गई और तहसीलदार को बुलडोजर चलाने पर बुरी तरह फटकारने लगी। करीब 2.5 मिनट के वीडियो में विधायक केतकी सिंह तहसीलदार से कह रही हैं कि मैंने आपसे एक बात कही थी, उसका भी सम्मान नहीं रखा। आपके पास बुलडोजर की ताकत थी तो आप उसे ले आए, हमारे पास संतों की ताकत है। इस दौरान विधायक के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार से अभद्रता की। आप ये बताइए कि घर गिरा देते तभी, तब तो फिर पूछना ही नहीं, तब तो मैं खुद ही आग लगा देती पूरे तहसील में। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा, विकास कार्यों के नाम पर जिस बेहिसाब दर पर सत्ता से जुड़े लोगों को करोड़ों का मुआवजा दिया जा रहा है, वही दर आम आदमी को भी दी जाए, उनको भी जिनके जायज निर्माण पर केवल विद्वेषवश बुलडोजर चलाया गया है। भाजपाइयों को लाभ पहुँचाने में मुआवजा भ्रष्टाचार का नया तरीका बन गया है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विधायक केतकी सिंह ने सफाई दी। देखिए, मामला ये था कि कुछ फरियादी मेरे पास सुबह आए और उन्होंने ये बताया कि हमारे परदादा ने बिना जानकारी के, बिना एक सौर की जमीन होती है, हर गांव में अमूमन होती है, वो जमीन ऐसी होती है जहाँ बच्चों को पहले पुराने जमाने में लोग महिलाएं पैदा करती थी, तो वो जमीन उसके लिए बुक हो जाती है। तो उनके परदादा ने जानकारी के अभाव में वहाँ पे एक मकान बना लिया। अब जो है, जब सारी जानकारियाँ हो रही हैं, सरकार हमारी बहुत एक्टिव है हर सरकारी ज़मीन के लिए, तो ये पता चला कि उनका वहाँ मकान बना हुआ है। वो बेचारे, उनका बंदर कूद गया तो वो छप्पर टूट गया था, तो वो अपनी छप्पर ढा रहे थे, तो बिना किसी नोटिस के वहाँ पे कुछ अधिकारी पहुँच गए बुलडोज़र लेकर और उसके घर को बुलडोज़र चला दिया उसके घर के ऊपर, जिसमें कुछ उसका हिस्सा टूट गया। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का साफ यह कहना है कि किसी भी गरीब के घर पर या उसके किसी रोजी रोटी पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं जब तक आपके पास कोई उचित कारण ना हो। उचित कारण भी हो तो भी आप गरीब के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर तहसीलदार ने ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया था। इससे केतकी सिंह नाराज हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऋचा सिंह के साथ स्पेशल डेस्क R9 न्यूज़।